हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश में कृष्ण जन्म उत्सव को काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हालांकि इस साल अष्टमी तिथि दो दिन पड़ रही है। पंचांग के अनुसार गुरुवार 18 अगस्त को रात 9:21 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन 19 अगस्त शुक्रवार को रात 10:59 पर खत्म होगी। आमतौर पर जन्माष्टमी के दिन बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है, लेकिन आप अपनी मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहे स्थापित कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कान्हा की अलग अलग प्रतिमाओं की भी उपासना की जाती है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। संतान के लिए बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें और सामान्य जीवन में सुख शांति के लिए बंसी वाले कृष्ण की स्थापना करें। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। चंदन की सुगंध से उनका श्रृंगार करें। इस दौरान काले रंग की चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। विजयंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करते तो बहुत अच्छा होगा। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करें, उसमें तुलसी जल भी डालें, मेवा माखन और मिश्री का भोग लगाएं। कहीं कहीं धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पहली वाली रात्रि को हल्का भोजन करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। विशेष रूप से सूर्य, सोम, भूमि, आकाश, संधि, भूत, यम, काल, पवन, अमर, दिक्पत्ति, खेचर, ब्राह्मदि को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। अब पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अगर आप पहली बार जन्माष्टमी के व्रत और अनुष्ठान कर रहे हैं तो यहाँ उन वस्तु की सूची दी गई है जिन्हें आपको अपनी पूजा की तैयारी में शामिल करना है। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति, सिंहासन या चौकी, पंच पलव, पंचामृत तुलसी, केले के पत्ते, दीपक के लिए घी, मिट्टी या पीतल के दिए, इत्र की बोतल, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, 5 यज्ञोपवीत, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, नाजा, कपास, रोली, सिंदूर, सुपारी, मोली, माल्याप्रण, कमलगट्टे, तुलसी माला, खीरा आदि जरूर इस्तेमाल करें। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।